हे गाइस, वेलकम टू साइबर टेक। सो आज हम सीखेंगे ये। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। इसमें हम सीखेंगे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, कलर ग्रेडिंग एंड मोशन ट्रैकिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ना, व्हाट इज ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। तो देखिए, मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ना ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को हम कहते हैं क्रोमा की। लाजमी नहीं है कि अगर हम ग्रीन स्क्रीन कह रहे हैं तो ग्रीन कलर हो। इसमें यह होता है कि ना, कोई भी कलर ना, चाहे वो ग्रीन है या वाइट है या ब्लैक या ब्लू है, कोई भी कलर है, प्रोमिनेंट एक कलर हो, ठीक है, कोई ज़्यादा मिक्सअप ना हो कलर्स का, एक ही कलर हो, और हमारे पास कोई मिक्स कलर ना हो, जैसे ग्रीन है पूरा ग्रीन कलर हो। अब जो हमारे पास कलर्स होते हैं ना, प्रोमिनेंट एक कलर होता है, उसको हम कर सकते हैं रिमूव। रिमूव करके ना हम बीच अपना कोई अपने तरह से जो बैकग्राउंड लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं आप, ठीक है। यही चीज़ें जो हमारे पास यूज हो रही होती है स्टूडियोज़ के अंदर, लाइक हमारे पास जो न्यूज़ के स्टूडियो होते हैं, न्यूज़ चैनल के जो चल रहे होते हैं हमारे पास, वहाँ पर जो एक एंकर बोल रहा होता है, ठीक है, उसके पीछे हमारे पास इफेक्ट्स चल रहे होते हैं, वो बेसिकली उसके पीछे वो ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, वो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद अपने लिहाज से एडिटिंग करके पीछे जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है ग्रीन स्क्रीन। लाजमी नहीं है कि आपके पास ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट में ग्रीन कलर ही हो, कोई भी कलर हो सकता है प्रोमिनेंट, बस प्रोमिनेंट कलर हो, बस एक ही कलर हो हमारे बैग में, ठीक है, कोई कलर का मिक्सअप ना हो, बस एक कलर हो, आप उस कलर को रिमूव करके अपनी तरफ से कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और इस ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट की इतनी डिमांड है कि हमारे पास पूरी, हमारे पास एक हॉलीवुड मूवी होती है, वो टोटल पूरी की पूरी मूवी हमारे पास इस ग्रीन स्क्रीन के स्टूडियो के अंदर ही बनती है, और वो एक पूरी कंप्लीट मूवी एक जस्ट एक ग्रीन स्टूडियो के अंदर बन जाती है। तो ये होता है हमारे पास ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो होता है कि ना, व्हाट इज कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग क्या होती है? तो आप इसको यूँ समझ लें कि ना, जैसे हम बचपन में, एक बच्चा होता है वो कलर्स को उठा के ना, जो हमारे पेंसिल कलर होते हैं या वाटर कलर होते हैं, उनको उठा के उनसे खेलते हैं, उनको मिक्स करके ना कुछ भी वो बना देते हैं हमारे पास अपनी तरफ से। तो उसी चीज़ को ना आप इसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर लें कि ना, आपको इसमें कलर ग्रेडिंग में क्या करना होता है। जैसे कलर ग्रेडिंग मतलब होता है कलर का मिक्सअप करना। आपने ना वीडियो के अंदर जो कलर्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है, कलर्स को आपको एक कलर ग्रेडिंग करके ना, आप कलर्स का मिक्सअप करके बेसिकली अपनी वीडियो को ग्रूम कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग में। सिंपल से एक क्लिप है, आप उसकी ना कंट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन वगैरह को बढ़ा के और उसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा करके आप उसके अंदर ना वीडियो की जो पूरी जो लुक है वो बेसिकली चेंज कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग से। तो हम इसको हम एक कलर का मिक्सअप ही समझ लेते हैं, लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि ना, आपकी पूरी जो वीडियो होती है उसकी ओवरऑल लुक है वो चेंज कर देती है। तो हम ये भी चीज़ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोशन ट्रैकिंग। तो मोशन ट्रैकिंग सिंपली हमारे पास यही चीज़ होती है कि ना, एक चीज़ मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट के मुताबिक हम एक दूसरी चीज़ को भी उसकी मूवमेंट के कोरस्पॉन्ड कर दें कि ना, मतलब मेरा हाथ मूव कर रहा है तब मैं हाथ क्या करें, एक पिक लगाता हूँ इधर, ठीक है, पिक लगाने के बाद ना मेरा अब जैसे हाथ मूव कर रहा है वो पिक उसी तरह मूव कर रहे, तो हम इसे कहते हैं मोशन ट्रैकिंग। एक चीज़ मूव कर रही है उसके साथ दूसरी चीज़ भी उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट में मूव कर रही है, तो उसे हम कहते हैं मोशन ट्रैकिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीजर। हम आगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले ना हम अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर था फिल्मोरा, और हमें इसके ऊपर मैंने अपनी जो लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसके ऊपर जाकर मैंने ओपन कर लिया, और उसकी रॉ फाइल मैंने खोल ली है बगैर एडिट की। हमने कैसे कि ना, पहले ग्रीन स्क्रीन हम सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ग्रीन स्क्रीन के लिए ना, हम यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ जो है ना, मैं बैठा हूँ, मैं बैकग्राउंड में क्या है, ग्रीन शीट लगी हुई है, ग्रीन कलर है। अब मैंने इसी तरह ग्रीन कलर का क्या करना है, रिमूव। तो हमने इसको कैसे रिमूव करना है ना, आपने इसको बेसिकली आपने जिस क्लिप के ऊपर ना ग्रीन स्क्रीन अप्लाई करना होता है, लाइक मैंने इस क्लिप के ऊपर करना था, मैंने इस क्लिप को सेलेक्ट किया एंड मैंने इसके बाद डबल क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, इस तरह की हमारे पास आएगी। अब इसके ऊपर ना हम इनको बंद कर देते हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, कंपोजिटिंग, मोशन ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजेशन, क्रोमा की। अब हमने यहाँ पर आना है क्रोमा की के ऊपर। क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट दोनों एक ही चीज़ है हमारे पास। अब हम इस पर आएंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब देखें मैंने इसको टिक किया और पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं इसको पहले ओरिजिनल कर लेता हूँ, ओरिजिनल इस तरह आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने ना बेसिकली, अगर आपके पास ग्रीन कलर कोई और कलर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में, तो मैंने यहाँ पर क्रोमा की अप्लाई करके जो कलर सेलेक्ट किया हुआ ग्रीन किया हुआ है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि जिस कलर का आपका बैकग्राउंड है ना वही सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वाइट है तो
सकता हूँ, वाइट सेलेक्ट कर लें जो भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको पेन को उठा के ना इस वाले को यहाँ पेस्ट कर दे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कलर कौन से। तो हम यहाँ पे ग्रीन को ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन हमने अप्लाई कर लिया इधर, ओके। अब देखिए हमारे पास, जैसे हमने इसको चेक करता हूँ, ग्रीन है, चेक करता हूँ तो ये थोड़ा ब्लैक हो गया, हमारे पास डार्क हो गया। लेकिन हमें प्योर इसको यहाँ पे ब्लैक करना है, जो भी कलर होगा उसको हमें प्योर ब्लैक करना होगा। अब हम थोड़ा सा ऑफसेट को बढ़ाते हैं, अब ये देखें थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया और ये इतना हो गया, ठीक। अब हम टॉलरेंस को बढ़ाते हैं तो ये देखें हमारे पास वाइट 12, लेकिन हमें प्योर ब्लैक चाहिए, हम इसको थोड़ा दरमियान में रखेंगे इसको टॉलरेंस को, ओके। एज थिकनेस से यह होगा कि ना आपकी जो साइड से ना एजेस है ना, ये देखें एजेस बढ़ रही हैं, लेकिन हमें बस थोड़ी थोड़ी ओके एज फेदर जो हमने चेंजिंग करना है। अल्फा चैनल अगर देखें, अल्फा चैनल आप दबाएंगे ना तो ये बता देगा कि ना आपकी जो शक्ल है, मेरे पास इसमें यहाँ बैठा हूँ और चेयर पीछे, इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे आ रही होगी मतलब, तो उसको वाइट कर देगा, तो कोई और चीज़ नहीं, मतलब हमने अभी तक ठीक किया है इसको। इसको अनचेक करते हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, पीछे बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो बैकग्राउंड आपने जो भी अप्लाई करना होगा उसको आप डाउनलोड करके ना इसके अंदर इंटर कर देना है, लाइक मैं ये पिक्चर जो है इसको मैं लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड के लिए, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से इसको ड्रैग करके ना इसके इस पिक के नीचे मैं रख दूँगा। अब नीचे रखूँगा तो ये देखें हमारे पास पिक आ गई है। अब देखिए हमारे पास ऊपर से थोड़ी थोड़ी साइड पर ना ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पिक पूरी नहीं आई। तो मैं इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, पिक को मैं डबल क्लिक करता हूँ, तब ये चीज़ आ गई मेरे पास, सिलेक्शन टूल आ गया हमारे पास। तो मैं इसके नीचे कर लेता हूँ, पिक को एडजस्ट कर लेता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर। अब देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई है, लेकिन हमारे पास अभी भी साइडों में देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा ग्रीनी इफेक्ट आ रहा है। तो हम इसको दोबारा जाते हैं क्लिप के ऊपर। अब हम आते हैं दोबारा क्रोमा की के ऊपर, थोड़ा सा ऑफसेट को बढ़ा के देखते हैं तो ये थोड़ा कम हो रहा है ग्रीनी कलर। लेकिन हमारे पास चेयर की देखें ये ख़त्म हो रही है यहाँ पे, लेकिन हमें इसको भी ख़त्म नहीं करना, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। टॉलरेंस को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ओके बस ओके। तो अब थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट साइडों पे आ रहा है, तो वो हम एज थिकनेस को चेंज करके देखते हैं, ये देखो थोड़ा कम हो गया, ओके अब थोड़ा बहुत कम हो गया हमारे पास। अब बाकी जब नहीं छोड़ते, अब थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है ग्रीन का, तो हम जब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे तो उसमें वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्रोमा की। अगर कोई और कलर है तो आप उसको भी सेम टू सेम इस तरह रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर एक और कलर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये मेरे पास अगर सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ रही है, पीछे हमारे पास सेम वही ग्रीन कलर है, इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और कलर दिखाता हूँ, इसको छोड़ के इसको पकड़ते हैं, इसको ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो बेसिकली ओके सॉरी पता गया आगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये है पीछे इसका वाइट बैकग्राउंड। अगर हमने अब वाइट को रिमूव करना है तो हम इसको डबल क्लिक करके क्रोमा की सेलेक्ट कलर वाइट, नाउ देखें हमारे पास ये रिमूव हो गया है, ओके। हमारे पास जो कलर था वो बेसिकली क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब देखें यहाँ पे कलर आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये थे हमारे पास ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। अब हमने क्या करना है, कलर ग्रेडिंग करनी है। तो कलर ग्रेडिंग क्या कैसे करनी है आपने, कि ना आपने जिस क्लिप के ऊपर कलर ग्रेडिंग करनी है ना, मैं डबल क्लिक करता हूँ क्लिप के ऊपर एंड हम कलर्स पे आते हैं। तो अब यहाँ पे ना ये चीज़ आपको मिल रही है, कलर इन्हांसमेंट में आते हैं तो हम यहाँ पे देखें थ्रेशोल्ड मिल रहा है आपको, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब देखें मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहा हूँ ना, ये देखें अब मेरे साइडों पर जो ग्रीन इफेक्ट था वो ख़त्म हो रहा है, हो गया। इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ थोड़ा सा, आप इसने आपने जो कलर मिक्स मैंने कहा था ना, आपने कलर से खेलना है बेसिकली, तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक ही खेलना है इसके ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ 18.75 या 73 कर देता हूँ, ओके। अब देखें ग्रीन इफेक्ट जो हमारे पास था वो ख़त्म हो गया, इधर हाथ से भी ग्रीन इफेक्ट ख़त्म हो गया थ्रेशोल्ड से, ठीक है। और जो वैल्यू है इसको आप बढ़ाएंगे तो ये देखिए इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसको मैं बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि ये गंदा लग रहा है मेरे पास। अलग अलग क्लिप होते हैं उसके ऊपर आप इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कैसा लगता है। अब सेम मैं अगर आता हूँ इधर वाइट बैलेंस के ऊपर टेम्परेचर और टिंट मिल रहा है,
एक आपको यहाँ पे ऑटो का मिलता है, ऑटो आप करेंगे तो खुद ही कर देगा, लेकिन ऑटो से बहुत फजूल कर देता है वो, तो आप ऑटो पे ना ही जाया करें इसको, ठीक है। टेम्परेचर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें इसको ऑरेंज ऑरेंज इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब देखें इसको एक अच्छा सा ग्रूमिंग लुक आ गया है हमारे पास, ठीक है। टेम्परेचर माइनस, अगर मैंने -11.46 पे रखा है, तो अगर मैं टिंट को चेंज करता हूँ, टिंट बढ़ाते हैं तो ये देखें इफेक्ट आ रहा है, कम करते हैं ये इफेक्ट आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा 3 पॉइंट पे रख लेता हूँ। ओके 3.13 पे अगर इसको टिंट को रख रहा हूँ, अब नीचे आकर हमारे पास टून्स में ना, अगर आप मैं इधर दिखाता ही हूँ, हमने पहले कलर इन्हांसमेंट में गए तो थ्रेशोल्ड को बढ़ाया, फिर हम वाइट बैलेंस में आए तो हमने टेम्परेचर और टिंट को चेंज किया, हम टून में आ गए हैं। ये अनचेक करेंगे तो इफेक्ट उड़ जाएंगे, ठीक है। चेक करके टून में आए हम तो कंट्रास्ट, सैचुरेशन और ब्राइटनेस ये तीन चीज़ें मिलनी है आपको। तो अब कंट्रास्ट को मैं अगर बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फजूल हो जाएगी, कम करेंगे तो फजूल हो जाएगी, तो आपने इसको मीडियम में रखना है। तो मैं इसको रखता हूँ अगर 14 पे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो भी सेम, आप देख सकते हैं। इसको मैं माइनस में करता हूँ थोड़ा, -25 पे रख लेता हूँ मैं इसको, ओके और आ जाए 25, हाँ ठीक है, इसको मैं रख लिया 25 पे। अब आते हैं ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आप ज़्यादा करेंगे तो फुल इफेक्ट आ रहा है, ब्राइटनेस कम ही रखनी है। ज़्यादा कलर ग्रेडिंग आप, अगर आपने ग्रीन स्क्रीन अप्लाई किया तो उसके मुताबिक ही करनी होती है। अब मेरा बैकग्राउंड भी डार्क कलर का था, उसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, माइनस में रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 पे या 31 पे, चलो 31 रख लेता हूँ, ठीक है 31 पे रख लिया मैंने। ये 3D लाइट में क्या होता है, आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी होते हैं, जैसे 7 सीरीज लगाई थी, ये आ गया बैटमैन में लगाया था, ये लगा आ गया कोल फिल्म में, ये आ गया, लेकिन मैं ये फजूल है सारे नहीं लगाना चाह रहा मैं इनको। ओके एडवांस में आएंगे हम इसके, तो ये आपके यहाँ पे फिल्टर्स मिल रहे हैं। एडजस्ट में आएंगे तो आपके यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, ये इन्हांसमेंट हमें वहाँ मिल रहा था, हमने देख लिया था, वाइट कलर से हमने देख लिया था, 3D लाइट वही फिल्टर्स से। कलर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सपोयर कितना करना चाहते हैं, बढ़ाएँ कम करें, लेकिन हम इसको कम ही रखेंगे। अच्छा ब्राइटनेस कंट्रास्ट है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पीला हो जाएगा ये, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे, आपने क्लिप के मुताबिक ही देखना। ऑब्वियसली लाइट्स में आएंगे तो हाई लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी आपको, हाई लाइट्स को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा मैंने 5 पर रखा, इसके शेडोज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चिट्टा हो जाऊँगा, तो मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊँगा भी नहीं, इतना रखूँगा, थोड़ा सा कम कर दूँगा मैं इसको। वाइट्स बढ़ाएंगे ज़्यादा जरूर हो जाएगा, वाइट्स को भी थोड़ा सा कम रख देता हूँ। ब्लैक्स को मैं बढ़ा दूँगा थोड़ा सा इधर, कर्व में आपको यहाँ पे हर कलर की कर्व मिल रही, कलर कर्व चेंज करेंगे तो आपके पूरी इफेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं इतनी। HSL में भी सेम, आपके जो कलर है उस कलर को सेलेक्ट करें, उसके अंदर चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। सेम फॉर बिगिनिटी मैं हटा रहा हूँ इसको। अच्छा अभी हमारे पास बेसिकली कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, अभी देखें। अब देखें अगर कलर ग्रेडिंग मैं इसको हटाता हूँ, मैंने हमने जो की है, या आपको इस तरह इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अगर इसको रीसेट करता हूँ, अब देखें ये इफेक्ट हमारे पास पहले जो हमारे पास इनिशियली थी इस तरह थी, लेकिन ये है हमारे पास कलर ग्रेडिंग के बाद, तो ये पूरा पूरा आपके पास इफेक्ट आ रहा है कलर ग्रेडिंग का। तो अब हम आते हैं मोशन ट्रैकिंग के ऊपर, मोशन ट्रैकिंग कैसे करनी है आपने। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। अब देखिए मैं अगर चाहता हूँ कि ना जैसे मेरे पास ये फेस है ना, तो इसी के मुताबिक ना, अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैंने पिक उठाई है ये क्लॉक की, तो ये क्लॉक उसी मुताबिक हमारे पास जितना मेरा फेस मूव कर रहा है ना, यहाँ पर आप ये देखें मेरे फेस जितना मूव कर रहा है, तो फेस के साथ साथ ना मेरे फेस के ऊपर ना ये जो क्लॉक है ये मूव करते रहे, ठीक है। तो अब इसको मैंने कैसे मोशन ट्रैक करना है, इसके मोशन के साथ साथ वो वॉच भी चलती रहेगी। तो अब हम मैंने ये चीज़ कैसे करनी है कि मैं पहले अपने जो क्लिप के ऊपर इसके बाद मैंने मोशन ट्रैकिंग करवानी है, सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करेंगे हम, आपको इधर मिल रहा है इधर मोशन ट्रैकिंग का ये ऑप्शन, बेसिक के अंदर चेक करेंगे इसको आप, और आपने इसको पकड़ के वहाँ पर रखना जहाँ पे आपने मोशन ट्रैक करवाना है, जिस जहाँ पर आपने दूसरी चीज़ रखनी है जो मूव करेगी जिसके मोशन के मुताबिक, तो मेरे फेस का मोशन के मुताबिक चलेगी वो, तो मैं अपने फेस के ऊपर रखता हूँ इसको प्लस वाले ऑप्शन को। ओके अब मैं इसको कहता हूँ स्टार्ट ट्रैकिंग, ये ट्रैक करेगा पहले मेरे फेस के मोशन को,
तो हम इसका वेट करते हैं ट्रैकिंग करने तक। अच्छा तो इसने ट्रैकिंग कर ली, हमारे पास परसेंट ट्रैकिंग पूरी। अब हमने सेलेक्ट करना है कि इस चीज़ को हमने ट्रैक करवाना है, तो मैं यहाँ से ना इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर से। ओके पर मैंने सेलेक्ट कर लिया हमारी पिक फॉर एग्जांपल। पहले मैं इस पिक के ऊपर ना इसको मैं क्रोमा की करके ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा देता हूँ। ओके ओके तो मैंने पिक सेलेक्ट की मोशन ट्रैकिंग में आके, ये वाली पिक ठीक है मैंने कंप्यूटर से इंपोर्ट कर ली थी। अब हम देखते हैं कैसे ट्रैक हुआ या नहीं हुआ। ये देखें जैसे मेरा फेस मूव कर रहा है तो ये चीज़ वैसे ही मूव कर रही है। ओके ये होती है हमारे पास मोशन ट्रैकिंग। इस तरह मेरा फेस मूव करता जाएगा, वो भी ऐसे मूव करती जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। जो आज की वीडियो का टास्क है लेक्चर का वो ये है कि ना आपने किसी क्लिप के अंदर ना मुझे ग्रीन स्क्रीन कलर ग्रेडिंग एंड मोशन ट्रैकिंग के इफेक्ट्स डाल के मुझे अपने व्हाट्सएप कर देना है ठीक है। और हमारे पूरे कोर्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर था, तो आप लोग इस पूरे कोर्स के बारे में जो भी रिव्यू था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाजमी अपने रिव्यूज को शेयर कीजिएगा एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कोर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।